हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु, आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट में। आज हम क्लास 10 सीबीएसई का जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है ना, उसको डिटरमाइन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या डिटरमाइन करना है, एससीएफ एंड एलसीएम। तो पहले समझते हैं एससीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। एससीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एससीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएफ का मतलब है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट या लोएस्ट, ठीक है। तो एससीएफ में क्या है पहले पढ़ देता हूँ, फिर इसका लैंग्वेज का मतलब समझता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर, ठीक है। क्या करना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर। क्योंकि हमारा जो भी आता है कि कौन से फैक्टर में आता है, प्राइम में पढ़ चुके हैं पहले से, कॉमन। इधर एक ही वर्ड याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, कॉमन रहेगी प्लस जो स्मॉलेस्ट पावर रहेगी उसी को हम अगर दोनों नंबर गिवेन है, ठीक है ना, कोई भी नंबर गिवेन है उसमें से जो स्मॉलेस्ट पावर रहेगी जिस नंबर का और कॉमन दोनों में जो रहेगी उसका हम एलसीएम बनाएंगे। एलसीएम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर का लेना है इन्वॉल्व इन द नंबर, कॉमन हो या ना हो, इससे कॉमन की बात भी नहीं है, ठीक है, कॉमन की कोई भी वार्ड नहीं है, इधर क्या है केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का लेना है, ठीक है। तो चलिए हम अब सॉल्व करके देखते हैं कि कोई क्वेश्चन को, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 6। पहले समझते हैं इस एससीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है, कोई कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। पहले समझते हैं, देखिए अगर गिवन है 9 and 27, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एससीएफ एंड एलसीएम, ठीक है ना, दोनों आपको फाइंड करना है। तो 9 का फैक्टर क्या है, अगर मैं 9 का फैक्टर करूं, सॉरी ये 3 का टेबल में है, तो 9 को मैं इस प्रकार का लिख सकता हूँ 3 into 3, और इस प्रकार का भी लिख सकता हूँ 3 to 12, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर 3 बैक प्राइम फैक्टर, ये बैक प्राइम फैक्टर 27। अगर 27 को मैं लूँ ये 9 ये 3 3, तो 27 को मैं इस प्रकार का लिख सकता हूँ 3, ठीक है ना। अब मुझे बताइए एससीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, जो मैंने डेफिनेशन अभी लिखा था उसको याद कीजिए, मैंने क्या बोला था, एससीएफ क्या है, कम जो रहेगी और कम जो पावर रहेगी जिसका, और क्या है जो कॉमन रहेगी। देखिए कॉमन तो 3 में बोथ में है, और कम किसके पावर में है, 3 का, तो एससीएफ क्या है, 3 to the power 39। अगर मैं एलसीएम कहूँ आपको, ठीक है, एलसीएम, एलसीएम क्या रहेगी, हाइस्ट जो रहेगी, ठीक है ना, तो क्या है हाइस्ट, 3 to the power 3, मतलब 27 क्या है एलसीएम। तो ये तो एक एग्जांपल था, और एक एग्जांपल देखिए और कुछ बेसिक आपका क्लियर हो जाएगी, फिर एग्जांपल नंबर 6 करेंगे, ठीक है। पहले समझिए चीज को, देखिए अगर गिवन 4, ठीक है, 16 और 20, 3 नंबर है, आपको एससीएफ भी डिटरमाइन करना है, एलसीएम भी डिटरमाइन करना है, ठीक है, एससीएफ एंड एलसीएम करना है, ठीक है। देखिए 4 का फैक्टर क्या है, 4 का फैक्टर, 4 का फैक्टर ऐसे ही निकाल लेते हैं ना, 2 का टेबल 2 into 2, इसका इस प्रकार का लिख सकता हूँ 2 square। 16 का क्या फैक्टर है, 2 to the power 8, 2 to the power 4, तो क्या रह जाएगी 16 का, 1 2 3 4, 2 to the power 4, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो इसको इस प्रकार का भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 20 का देखिए 2 to the power 10, फिर 2 to the power 5, तो इसको इस प्रकार का लिख सकता हूँ 2 into 2 into 5, तो इसको भी इस प्रकार का लिख सकता हूँ 2 into 5 to the 1, हो गया। अब आपको फाइंड करना है एससीएफ एंड एलसीएम, एससीएफ क्या है, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है ना, एरिथमेटिक का फैक्टराइजेशन भी जो वीडियो में मैंने डाला है, ठीक है, आपको सर्च करना है प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी क्लास 10 रियल नंबर, उसके अंदर आपको सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, वन बाय वन। तो देखिए पहले एससीएफ क्या है, एससीएफ क्या है, मैंने क्या बताया था, जो कॉमन रहेगी, तीनों नंबर का निकलना मतलब तीनों ही नंबर में जो कॉमन रहेगी, और एक बात क्या, जो कम रहेगी, सबसे कम रहेगी जिसकी पावर, और जो सभी नंबर में कॉमन रहेगी। देखिए 2 सभी नंबर में कॉमन है, ये तो बात सही है, 5 तो नहीं है, 5 की बात भूल ही जाइए, एससीएफ में 5 तो नहीं आएगी। और कम क्या है, ये 2 to the power 2, तो 2 to the power 2 कॉमन है सभी में,
तो लिस्ट ए टू पैर टू, तो टू टू पैर टू को ले लीजिए आप एस सी एफ, इसका मतलब फोर। एलसीएम क्या रहेगी, जो हाइस्ट रहेगी और सभी नंबर जाएगी, ठीक है। हाइस्ट क्या है, टू पहले देखिए फोर है, और एक क्या है फाइव भी जाएगी, और कमन की कोई बात नहीं, सभी नंबर जाएगी और जो हाइस्ट रहेगी वही जाएगी। फाइव अगर फाइव के तौर पर टू भी होता तो फाइव तरह वन लेकर हम फाइव तरह टू ले जाते, तो टू तरह फोर क्या है सोलह, ठीक है। और फाइव क्या है फाइव, ये क्या रह जाएगी सोलह फाइव अस्सी, ठीक है। तो एससीएफ क्या रहेगा फोर और एलसीएम एट। उम्मीद है आपको एससीएफ एलसीएम का कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा, अगर हो गया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, लाइक शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स को क्या बताया, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स मतलब सॉरी एग्जाम्पल नंबर सिक्स, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सिक्स है रियल नंबर का, क्या कह रहा है फाइंड एससीएफ, ठीक है। फाइंड करना है आपको क्या एससीएफ एंड एलसीएम, किन किन नंबर का, सिक्स एंड ट्वेंटी, सिक्स एंड ट्वेंटी कौन सी मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में आपको करना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर सिक्स देख लीजिए, तो फाइंड करना है क्या आपको एससीएफ एलसीएम सिक्स एंड ट्वेंटी का, और कौन सी मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में। अब सॉल्यूशन करते हैं, तो सिक्स का फैक्टर क्या है, देखिए ऐसे ही फैक्टर करते हैं ना, अब देखिए डिविजिबिलिटी के रूप में बता चुका हूँ पहले, उसको भी देख लीजिए, ठीक है ना, आपको बहुत काम में आएगी, टू इंटू थ्री, ठीक है ना, उसका हम इस प्रकार के लिख सकते हैं टू थ्री वन थ्री थ्री वन, ठीक है। और क्या आ गया ट्वेंटी, ट्वेंटी का देखिए टेन टू थ्री फाइव, तो ट्वेंटी क्या टू टू दस टू इंटू फाइव, यही है ना। अब आपको एस सी एफ एलसीएम डिटरमाइन करना है, देखिए एस सी एफ क्या है, मैंने क्या बताया था कॉमन रहेगी प्लस कॉम जो रहेगी, ओ कॉमन टू है, थ्री फाइव तो कॉमन नहीं है, उसके बाद भूल ही जाइए एस सी एफ में वो नहीं आएगा, और कम क्या है टू पर वन टू पर वन, तो ये क्या है टू। आप समझिए एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है, हाइस्ट रहेगी और सभी नंबर, हाइस्ट क्या है टू थर टू टू थर टू टू थर टू इंटू थ्री टू थर वन इंटू फाइव। अब एलसीएम क्या रहेगी, टू थर टू कितना है फाइव, थ्री टू थर वन थ्री इंटू फाइव कितना रह जाएगी, चार बारह बारह फाइव सिक्सटी, तो एलसीएम क्या रहेगी सिक्सटीन। यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर सिक्स, ठीक है, उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा, अगर आया है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे एग्जाम्पल सेवन, देखिए एग्जाम्पल नंबर सेवन में एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट है, ठीक है। अगर गिवन है एससीएफ एलसीएम और आपको एक नंबर गिवन है तो किसे डिटरमाइन करें अदर नंबर, तो बढ़िया सा एग्जाम्पल है, तो नेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको एंजॉय कीजिए।